वह बिहारी जो महज 9 साल की उम्र में पास किया था मैट्रिक की परीक्षा। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है। इन्होंने महज 33 पन्ने में अपनी PhD थीसिस जमा कर दी थी। जब किसी व्यक्ति में पढ़ने की चाह हो तो वह क्या कर सकता है, आप भी कहेंगे पढ़ेगा और क्या करेगा। बिहारी बिजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में करेंगे जिसने अपनी पढ़ाई को विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसके नाम ले लेने बस से कामयाबी उसके पास चली आती है। जरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप भी कहेंगे वाह, सच में कामयाबी उसके पास आ ही जाती है। महज 9 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की, 11 साल की उम्र में BSc, 12 साल की उम्र में MSc, 21 साल की उम्र में इस व्यक्ति ने PhD कर ली और 22 साल की उम्र में इन्होंने IIT बॉम्बे में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं तथागत अवतार तुलसी के बारे में। प्रतिभावान इस छात्र का जन्म 9 सितंबर 1987 को हुआ था। विलक्षण प्रतिभा के धनी तथागत अवतार जब महज 6 साल के थे तो उन्होंने गणित के बड़े बड़े सवाल उन्होंने बिना पेन पेंसिल उठाए ही हल कर दिया था। वे इन दिनों गणित के प्रति अपनी लगन के कारण मीडिया की सुर्खियों में लगातार बने रहे। साल 1994 में उस समय के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे लालू प्रसाद यादव ने तथागत अवतार को बुलाया था और उन्हें पुरस्कार स्वरूप एक कंप्यूटर देने की घोषणा की थी। कहते हैं तुलसी के जीवन में इन सभी चीज़ों का गहरा असर पड़ा था। तुलसी 7वीं क्लास की पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वह सेल्फ स्टडी के बल पर 7वीं, 8वीं और 9वीं और हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उनके पिता ने 10वीं क्लास की परीक्षा दिलाने के लिए CBSE से अनुमति मांगी, लेकिन इस दौरान उन्हें इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद उनके घर वालों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें परीक्षा देने का मौका मिल गया। इसके बाद 28 अप्रैल 1998 को पटना विश्वविद्यालय की तरफ से एक ऑफिशियल इंटरव्यू के बाद उन्हें डायरेक्ट BSc की परीक्षा देने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन तथागत इस दौरान BSc के 3 साल की परीक्षा 1 साल देना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। यहाँ पर कोर्ट ने सारे नियम को तोड़ते हुए परीक्षा देने की अनुमति दे दी और इस तरह से कोई 10 साल का छात्र ग्रेजुएशन पास कर गया। इसके बाद साल 1999 में उन्होंने MSc में एडमिशन लिया। इस बार फिर परीक्षा देने का लफड़ा सामने आ गया। अब बिहार के राज्यपाल श्री BM लाल ने परीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके बाद बिहार के इतिहास में पहली बार कोई लड़का 11 साल की उम्र में PG की परीक्षा दे रहा था। वह भी सिर्फ परीक्षा ही नहीं दे रहा था, वह परीक्षा पास भी हो गया। इसका मतलब हुआ कि 11 साल की उम्र में तथागत को PG की डिग्री मिल गई थी। इस उम्र में नॉर्मल छात्र मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं करते, ऐसे में तथागत का इस तरह से आगे बढ़ना हर किसी को हैरान कर रहा था। MSc की परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए आज भी यह नियम जरूरी है कि नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी होता है, या फिर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप पास कर सकते हैं, या फिर आप इस दौरान लेक्चरशिप के लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसकी न्यूनतम उम्र सीमा जो है अभी भी निर्धारित है और उस समय भी निर्धारित थी, वो थी 19 साल, लेकिन उस समय तक इनकी उम्र सीमा बस 12 साल की थी। ऐसे में उन्हें इस परीक्षा में बैठने के लिए परेशानी हुई। हालांकि बाद के समय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से परीक्षा में बैठने की इजाज़त इन्हें मिल गई। हालांकि इस दौरान उन्हें नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज यानी कि NPL के इंटरव्यू कमेटी के तहत उन्हें सहमति भी लेनी जरूरी थी, जिसके चलते उन्होंने साल 2000 के दिसंबर में पहली बार वो नेट की परीक्षा दिए और जिसका परिणाम आया साल 2001 में, और इस तरह से 12 साल की उम्र में वो नेट की परीक्षा पास करने वाले पहले छात्र बने। और एक तरह से कह लें कि वो केंद्रीय परीक्षा थी जिसमें कि पूरे देश के छात्र बैठते थे और उसमें वे पूरी तरह से सफल रहे। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में PhD में एडमिशन लिया और इतने कम उम्र में PhD पाने वाले कम उम्रों के छात्र वे बन गए थे। PhD समाप्त होने के तुरंत बाद यानी कि साल 2010 में उन्होंने IIT मुंबई में प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति हुई। वातावरण सही नहीं होने के कारण वहाँ उनका रहना आसान नहीं रह गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कुछ दिनों के लिए काम किया। लेकिन बीमार होने के कारण उन्होंने 4 साल तक लगातार छुट्टी लेते रहे और फिर 5वें साल उन्होंने एक बार फिर से छुट्टी के लिए अर्जी लगाई, लेकिन इस बार उनकी छुट्टी नामंजूर हो गई। तब उन्होंने कहा था कि उनका तबादला मुंबई से दिल्ली कर दिया जाए, जहां वे पढ़ा भी सकेंगे और रिसर्च भी कर सकेंगे। लेकिन प्रशासनिक तौर पर इस तरह के बदलाव
न होने की बात कही गई, जिसके बाद उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि इस दौरान उन्होंने दूसरे IIT में पढ़ाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन वहां उन्हें सफलता नहीं मिली। जब उन्हें मुंबई IIT से बाहर निकाला गया तो उस समय उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि IIT में काम करते हुए उनकी नींद अनियमितता हो गई थी, यानी कि नींद जो है उन्हें सही तरीके से नहीं आ रही थी। यह समस्या साल 2013 से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि फरवरी 2014 में उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेने की आवेदन कर दिया, जिसे संस्थान ने दिसंबर 2017 तक के लिए लीव का अप्रूवल कर दिया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में उमस भरा मौसम है, जिसके आधार पर उन्होंने IIT दिल्ली में ट्रांसफ़र के लिए अर्जी भी लगा दी, जिसे IIT नियम के तहत ठुकरा दिया गया। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि साल 2015 में जब वे छुट्टी पर थे तो उन्होंने नौकरी के लिए दिल्ली, पटना और कानपुर IIT में आवेदन दिया था, लेकिन वे सफल ना हो पाए। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि मैं जानता हूं कि IIT में मेरा सबसे बेहतरीन साल 2010 से लेकर 2013 तक का रहा, क्योंकि इस दौरान मैं स्वस्थ था। उन्होंने कहा कि मेरा PhD में 85 साइटेंस मिला है, इसका मतलब है कि उनकी PhD भी बेहतरीन थी। इसी PhD के आधार पर उन्हें कनाडा के इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम में जाने का ऑफर भी मिला था, लेकिन IIT बॉम्बे में काम मिल जाने के कारण कनाडा नहीं जा सके थे। अब उन्होंने कहा कि मेरे लिए बेहतर होता मैं कनाडा गया होता। IIT बम्बई से दिल्ली ट्रांसफ़र नहीं होने के कारण उन्होंने PM मोदी से नौकरी बचाने के लिए अपील भी किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से साल 2004 में IAS और IPS का स्वास्थ्य का हवाला देकर कैडर चेंज हो जाता है, उसी तरह से IIT में भी बदलाव क्यों नहीं किया जा सकता। तथागत के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड के साथ साथ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है। इतना ही नहीं, बहुत कम लोगों को यह पता है कि उन्होंने महज 33 पन्ने में अपना PhD थीसिस लिखा है। तथागत की नौकरी समाप्त होने के बाद वे पटना में निवास करते हैं। वो बताते हैं कि जिस तरह से मैं बचपन में ही पढ़ने के पीछे भागता रहा, जिसके कारण मेरे नाम कई विश्व रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन अब उम्र के जिस दहलीज पर मैं खड़ा हूँ, मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम तथागत अवतार तुलसी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।